मॉर्निंग, आप सभी को पंजाबा ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। फिलहाल अभी मैं उठ के आ गई हूँ किचन में और आज के लंच की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले चावल को धो के बिठा देती हूँ। जैसे कि मैंने चावल बिठा दिया कुकर में, तो अभी मैं सब्जी को भी कटिंग कर लूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी आलू टमाटर के साथ मछली के साथ, मतलब एक सब्जी बनाने वाली हूँ दोपहर के लंच के लिए। तो अभी पहले कटिंग कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे लौकी को आधा ही कटिंग करूँगी, मतलब आधा ही बनाऊँगी और आधा रख दूँगी, क्योंकि हम दो ही लोग हैं इसके लिए आधा ही बनाऊँगी, मैं कम बनाऊँगी। मतलब सब्जी कटिंग हो गया है, तो अभी गैस में गैस चला के बिठा देती हूँ कढ़ाई को। और इसी कढ़ाई में कल मैंने मछली फ्राई करके रखी थी, तो इसी तेल में ही सब्जी को पका लूँगी। मेरा तेल हो गया गरम, तो यहाँ पे मैं दे दूँगी 5 फूरन आधा चम्मच जैसा। यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सूखी मिर्ची 3, तो एक कटी हुई प्याज को भी दूँगी। तो प्याज को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। प्याज हमारा यहाँ पे अच्छे से भून चुका है, तो मैं अभी यहाँ पे ऐड करूँगी अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी, मतलब आधी चम्मच जैसा मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी सारे सब्जी को। अभी ऐड कर रही हूँ अपने स्वाद अनुसार नमक। देने के बाद अभी सारी सब्जी को मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें ढक्कन लगा दूंगी मैं थोड़ा टाइम के लिए। कर लेती हूँ एक बार चेक, तो ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से मसाले टमाटर वगैरह सब कुछ मिक्स हो गया, मतलब गल चुका है। तो अभी इसमें मैं पानी ऐड करूँगी अच्छे से आलू पकने के लिए, और आलू पकने के बाद मैं मछली को दे दूँगी यहाँ पे। इसमें ढक्कन लगा देती हूँ, ढक्कन लगा के मैं यहाँ पे कम आग में इसे पकाऊँगी। कर लेते हैं सब्जी को चेक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सब्जी गल गया, ये देखिए आलू भी बन चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी फिश। तो हम दो ही लोग हैं, तो इसके लिए हम दोनों के लिए ही सिर्फ दो ही पीस दिया है। इसके बाद अभी इसको भी थोड़ा टाइम के लिए ऐसे ही कम आग में पका लूंगी, 5 मिनट जैसा। जैसे कि मेरा सब्जी बनके हो गया रेडी, तो यहाँ पे मैं लास्ट में दे दूंगी धनिया के पत्ता। और बहुत सारे लोगों को लौकी खाने का पसंद नहीं होता है, वो लोग पसंद नहीं करते, पर इस तरह से बना के खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, कम मसाले में और बहुत टेस्टी बनता है। तो आज का मेरा लंच का तो ये फिश करी बन के रेडी हो गया है। तो अभी फिलहाल गैस को कर लूँगी ऑफ। तो मेरी सब्जी बनके हो चुकी है, तभी मैं ठंडा होने के बाद ही टिफिन में भरूंगी रोज की तरह। तो अभी मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी नहा धो के ड्यूटी के लिए निकलती हूँ। तो मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, मेरी नेक्स्ट रेसिपी में। अभी के लिए
बाय बाय।